अस्सलाम वालेकुम। इल्म सीखो चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, इस्लामी और साइंसी वीडियोस देखने के लिए इल्म सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम आपको सुल्तान महमूद गजनवी और सोमनाथ के मंदिर के बारे में कुछ पुर इसरार कहानी सुनाएंगे। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते जो कि सारी उम्र किंवारी रहती और उन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 कव्वाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 स्तूनों पे कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के सिपाही बुत शिकन का लकब पाने वाले सुल्तान महमूद गजनवी ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रौंदने के बाद सबसे बड़े बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट ज़मीन के अंदर और 9 फुट ज़मीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जज़ हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें, तो सुल्तान महमूद गजनवी को दानिशवरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने दानिशवरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत है कि दुनिया में मुझे बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए और रोज़े हशर खुदा के हुजूर कामयाबी से हमकिनार हूँ। ये कहते ही इस बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ हथियार सोमनाथ के बादशाह बुत को दे मारा। इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज्जज़ीन और राजों की पेशकर्दा रकम से 100 गुना ज़्यादा थे। इसीलिए हिंदू मुअर्रखीन सुल्तान महमूद गजनवी को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे हीरो और माल को माल गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं है। नाज़रीन, इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए इल्म सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगेबान।